लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार कृषि, अर्थव्यवस्था व अन्य क्षेत्रों में अपने गलत निर्णय से बर्बादी के बाद अब देश की सेना को साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रही है। कुछ ही दिन पहले राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, देश के सेना प्रमुख के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निपथ नामक सेना की भर्ती के लिए योजना का ऐलान कर दी है, जिसके तहत मात्र 4 साल में ही सेना में भर्ती होने वाले नौजवान को रिटायर कर दिया जाएगा, वो भी बिना पेंशन के। इससे पूरे देश में आगजनी की खबरें आप देख सकते हैं, किस प्रकार से युवा जो है वो नाराज हैं। कई सालों से जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल से भर्ती हुई नहीं है मोदी सरकार द्वारा, और अब जब निकाले जा रही है तो इस प्रकार के इन्होंने कानून, इन्होंने नीतियां देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए बनाई जा रही है। देश की मोदी सरकार ने एक बार भी देश की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा। दरअसल इसका मकसद सिर्फ एक है, जो पेंशन इन रिटायर्ड ऑफिसर्स को दी जाती है उसका पैसा बचाकर दूसरे कार्यों में लगाना। अगर आपको पैसा ही चाहिए मोदी सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं, तो क्यों आप अडानी, अंबानी व अपने अन्य उद्योगपति मित्रों का लाखों करोड़ का कर्जा माफ करते हैं? क्या उसमें से सेना की मजबूती के लिए, हथियार की खरीदी के लिए, उनकी बेहतर सुविधाओं के लिए खर्चा नहीं किया जा सकता? देश की सेना के साथ, देश की सुरक्षा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरे देश के युवा जो इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास भी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द कृषि कानून जैसे वापस लिए थे मोदी सरकार को, ये कानून भी, ये नीति भी वापस लेनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, देश के जो नौजवान हैं वो सिर्फ भर्ती के लिए आएंगे, उनका मनोबल जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं उनका मनोबल गिरेगा, क्योंकि 4 साल बाद वो रिटायर हो, इसीलिए तैयारी नहीं करते कि 4 साल बाद वो रिटायर हो जाएं। इसीलिए मोदी सरकार को इस निर्णय को वापस लेना होगा। रविवार को हमारे अध्यक्ष युवा कांग्रेस के श्रीनिवास पीवी जी चंद्र मंत्र प्रदेश इन सभी छात्रों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं, और पूरे देश में जो युवा ये प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे मेरी एक अपील है कि कृपया इसे हिंसक ना बनाए, इससे हमारा पक्ष कमजोर होगा। सरकार की नीति गलत है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, लेकिन ये आंदोलन, ये जो विरोध है, ये अहिंसा के साथ होना चाहिए। हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कभी भी सही नहीं माना जाएगा। पूरे कांग्रेस पार्टी, हमारे पूर्व अध्यक्ष, आप सभी के साथ हैं और इस जंग में आपके साथ लड़ेंगे और इसको जीतेंगे भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।